Good evening, everyone. This is Simarpreet Singh Garoda, and I'm back with part 2 covering the chapter The Rat Trap. Let's begin. लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था द रैट ट्रैप, जहां पे हमने डिस्कस किया था कि जो ऑथर है सलमा लगेडलॉफ, वो एक कंसेप्ट हमारे सामने, एक आइडिया हमारे सामने प्रेजेंट कर रही है, दैट द होल वर्ल्ड अराउंड अस इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। पूरे का पूरा वर्ल्ड जो हमारे आसपास है वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बहुत बड़ा सा रैट ट्रैप है। एंड रैट ट्रैप कौन से मतलब क्या है, जैसे हमारे घर में रैट्स आते हैं या माउस आते हैं, तो उनके लिए हम लोग बेट लगाते हैं, चारा लगाते हैं इन द फॉर्म ऑफ चीज और पॉक। ऐसे ही ये वर्ल्ड जो है ये हमारे को कम्फर्ट्स ऑफ लाइफ दिखाता है, जो हमारे लिए बेट्स की तरह एक्ट करती है। एंड एज सून एज वी ह्यूमंस उन बेट्स के थ्रू हम लोग टेम्प्ट होते हैं, तो क्या होता है, एज सून एज वी ह्यूमंस गेट टेम्प्टेड बाय दोज बेट्स, वी एंड अप इन अ लॉट ऑफ मिसरीज। इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है वो एक रैट ट्रैप वेंडर है, एक रैट ट्रैप बेचने वाला पर्सन है। ही इज अ वैगाबॉन्ड, ही इज अ नोमैड, ही इज होमलेस, का अपना कोई घर नहीं है। एंड वो पर्सन जो है वो एक जगह से दूसरे का मूव ऑन करता रहता है, रैट ट्रैप्स बेचते बेचते। बिकॉज रैट ट्रैप बेचकर उस अपनी इनकम को पूरा नहीं कर सकता, तो वो साथ में क्या करता है, पेटी थीवरी एंड बेकिंग करता है। अभी तक हम लोगों ने जो फर्स्ट पार्ट में किया था वो ये था कि रैट ट्रैप वेंडर एक बार एक ओल्ड मैन के यहाँ पर रुकता है, एंड वहां से ये 10 क्रोनोर के 3 बिल्स चोरी कर लेता है। जब भी 10 क्रोनोर के 3 बिल्स चोरी कर लेता है तो ये एक फॉरेस्ट की तरफ जाता है, एंड व्हेन ही गोज टुवर्ड्स द फॉरेस्ट वहां पर ये घूम जाता है। एंड इसको ये बात रियलाइज होती है कि इस बार इसने उस बेट को ले लिया है, एंड दैट इज वाई द वर्ल्ड इज क्लोजिंग इन अपॉन हिम। जब ये चीज होती है उसी टाइम इसको जोर से थंपिंग की आवाज आती है, एंड उसको लगता है कि वो और कहीं नहीं है, उसके आसपास रैम्स जो आयरन वर्क्स है। यहां से हमने इस चैप्टर को आज कंटिन्यू करना है, सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव टू बिगिन दिस चैप्टर फ्रॉम पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 सेकंड स्टैंजा से हम लोगों ने इस चैप्टर को शुरू करना है, लेट्स स्टार्ट। द रामस्टो आयरन वर्क्स व्हिच आर नाउ क्लोज्ड डाउन वर नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट। रामस्टो आयरन वर्क्स जो कुछ ही टाइम पहले, व्हिच वर नाउ क्लोज्ड डाउन वर नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट। रामस्टो आयरन वर्क्स जो अब बंद हो चुका था, ये कुछ ही टाइम पहले एक बहुत बड़ा प्लांट होता है, विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज। In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows slid the canal, which led to the large inland lake. And in the winter time, the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. Now, एक चीज देखो, हम लोग अब किसकी बात कर रहे हैं? We are basically talking about an iron mill. And iron mill के अंदर क्या होता है? Iron works के अंदर basically एक smelter होता है, एक फर्नेस होती है, एक भट्टी होती है, जहां पे बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर मेटल्स को हीट किया जाता है उनकी शेप्स को चेंज करने के लिए। सिमिलरली यहाँ पर भी रामस्टो आयरन वर्क्स के अंदर भी आपको आयरन, कोल, कॉपर, स्टील, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं, जिनको फर्नेसेस के अंदर, फोर्जेस के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace, waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. तो होता क्या है कि एक long dark evening चल रही होती है just Christmas से पहले, and master smith और उसके helper जो होते हैं वो एक dark forge में बैठे होते हैं। Dark forge का मतलब क्या है? They are sitting in a dark shadow. जो forge है, जो furnace है, उसी के पास में वो लोग बैठे हुए हैं। Near the furnace, waiting for the pig iron which had been put on the fire. तो वो लोग pig iron की वेट कर रहे होते हैं कि pig iron कब smelt हो, जो उन्होंने fire के ऊपर, आग के ऊपर रखा होता है। बेटा basically iron की, coal की बहुत सारी varieties होती हैं। अगर आपने class 10th में chapter पढ़ रखा हो geography का, mineral energy resources, वहां पर हमारे पास pig iron भी एक variety की तरह से आया था। तो उन्होंने क्या करा होता है, उस pig iron को उन्होंने fire के ऊपर रखा होता है। To be able to put on the anvil, every now and then one of them got up to stir the glowing mass. Every now and then Master Smith और उसके helper में से कोई एक बंदा उठता है and जाकर उसको थोड़ा सा हिलाना शुरू करता है। With a long iron bar returning in a few moments, कुछ ही moments में वापस आ जाते हैं। ड्रिपिंग विद perspiration, perspiration क्यों कह रहे हैं बेटा यहाँ पे? बिकॉज अगर एक इतने हाई टेम्परेचर के पास में आप जाओगे एंड वहां पे जाकर आप उस लॉन्ग आयरन रॉड्स उसको हिला रहे होगे, सो यू विल गेट स्वेटी, आपको स्वेट आना शुरू हो जाएगा। Though as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. उसने कुछ भी नहीं पहना होता, एक लॉन्ग सी शर्ट पहनी होती है, नीचे वुडन शूज पहने होते। All the time there were many sounds to be heard in the forge. All the time उस forge के अंदर, उस furnace के पास बहुत ज़्यादा आवाज़ें वगैरह आ रही होती। The big bellows groaned and the burning coal cracked. The fire boy shoveled charcoal into the maw of the furnace with great deal of clatter. जो fire boy होता है वो charcoal को अपने उसमें रख के बार बार उसके अंदर फेंक रहा था ताकि वो जले, वो भट्टी जले, वो furnace, वो forge जले।
विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, बहुत साउंड्स आ रही होती हैं, आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, बाहर उस आयरन वर्क्स के बाहर वाटरफॉल की बहुत तेज आवाज आ रही होती है, एंड अ शार्प नॉर्थ विंड व्हिप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ, एंड बाहर जो बारिश हो रही होती है तेज हवा चलने की वजह से वो बारिश स्लांटिंग होकर ब्रिक्स के ऊपर गिर रही होती है, उसकी भी बहुत साउंड आ रही होती है. It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood very close to the furnace. Now, होता क्या है? उस forge के अंदर पहले ही बहुत आवाज आ रही होती है. पहली चीज जो forge है, जो furnace है, metal के जलने की आवाज आ रही है. Next, एक person जो है fire boy जो वो clatter करके कोल को उस फर्नेस के अंदर डाल रहा है, बाहर वाटरफॉल की बहुत तेज आवाज आ रही है, एंड थर्डली वी कुड हेयर दैट कि बारिश जो हो रही थी तेज विंड के कारण, वो बारिश ब्रिक्स के ऊपर आ रही थी. इट वॉज ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दीज नॉइज, इन सारे नॉइज की वजह से ब्लैकस्मिथ इस चीज को नोटिस नहीं कर पाता कि एक मैन जो है वो एंटर कर चुका है फोर्ज को, फर्नेस को, अंटिल ही स्टूड वेरी नियर टू द फर्नेस, जब तक वो फर्नेस के बहुत पास नहीं खड़ा हो जाता. Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of the light. Can I surely vagabonds ke liye koi bhi cheez unusual si nahi hoti, because bahut sare vagabonds inke paas koi shelter nahi hota, jo nomad hote hain wo dhoondte hain aisi forges ko, aisi furnaces ko, taki thand ke time pe, winters ke time pe, raat ke time pe wo apne aap ko garam kar sake. For the night to be attracted to the forge by the glow of the light which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves in front of the fire. The blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. बेटा सबसे पहली बात तो है, वैगाबॉन्स का वहां पर आना कोई चीज बहुत अनयूजुअल नहीं होती, बिकॉज वो लोग कई बार वहां पर आते हैं नाइट को स्पेंड करने के लिए. ब्लैकस्मिथ जो होता है वो ग्लांस करता है उसकी तरफ, देखता है सिर्फ कैजुअली और इनडिफरेंटली उस इंट्रूडर की तरफ. ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड. सो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, जो वैगाबॉन्ड होता है वो अपनी तरह के लोगों की तरह लग रहा होता है. ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड विद अ लॉन्ग बियर्ड, डर्टी, रैग्ड एंड विद अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट. तो उसकी अपीयरेंस क्या होती है, उसकी एक लंबी से उसने बियर्ड रखी होती है. ही वॉज डर्टी, ही वॉज रैग्ड, वो गंदे कपड़े शाबी क्लोथ्स पहने होते हैं जो फटे हुए होते हैं, विद अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और एक बंच ऑफ रैट ट्रैप्स जो होते हैं उसकी चेस्ट के ऊपर हैंग कर रहे होते हैं, डैंगल कर रहे हैं. Now, he asked permission to stay and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. तो परमिशन मांगते कि क्या वो यहाँ पे रुक सके, और मास्टर ब्लैकस्मिथ जो है नॉड करते हैं. ही ओनली नॉड्स अ हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड. तो मास्टर ब्लैकस्मिथ जो होता है अगर से कोई वर्ड भी नहीं बोलता, ओके वगैरह भी नहीं बोलता, वो सिर्फ नॉड कर देते हैं, बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू ऑनर हिम विद अ सिंगल वर्ड. The tramp did not say anything either. Tramp भी आगे से कुछ नहीं बोलता. He had not come there to talk, but only to warm himself and sleep. वहाँ पे कोई बात करने नहीं आया होता वो. वो सिर्फ अपने आप को वार्म रखने के लिए और सोने के लिए वहाँ पर आया होता है. In those days, the Ramshaw Iron Mill was owned by a very prominent iron master. उस टाइम पे जो Ramshaw Iron Works था, इसको एक बहुत ही prominent iron master own कर रहा था, whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. जैसे greatest ambition क्या होती है कि वो अच्छा iron, good iron जो है market तक पहुँचा सके. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. वो night and day से इसी चीज को देख रहे थे, काम जितना अच्छे से हो सके वो अच्छा हो. And at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. And because बेटा जो Ramshaw Iron Works का उस time पे owner होता है, बहुत ही prominent person होता है, and he wanted to ensure कि उसके वहाँ से जो iron जो coal जा रहा है वो बहुत ही अच्छी quality का हो, इसीलिए वो nightly inspection rounds पे उस forge में, उस furnace के पास में आता है. Now, naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his breast cracks. Naturally, सबसे पहली चीज जो पर्सन नोटिस करता है वो क्या है कि एक वैगाबॉन्ड वहां पर आया हुआ है, एक रैग्स में, शाबी क्लोथ्स में पर्सन जो है फर्नेस के पास लेटा हुआ है, और इतनी पास लेटा हुआ है कि उसमें से स्टीम आ रही है. The iron master did not follow the example of the blacksmith who had hardly deigned to look at the stranger. He walked close up to him, वो उसकी तरफ जाता है, looked him over very carefully, बहुत carefully उसको देखता है, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. फिर जो उसने जो hat ऊपर पहनी होती है उस hat को वहां से हटाया ताकि उसको उस vagabond की, उस stranger की शक्ल थोड़ी सी अच्छे से नजर आए. But of course, it is you, Niels Olof, he said. How do you look? वो कहते हैं, but of course, तुम तो Niels Olof हो, ऐसे क्यों बने हुए हो? How do you look? The man with the rat traps had never before seen the iron master.
जो रैट ट्रैप वेंडर होता है, जो वैगाबॉन्ड होता है, उसने आज तक कभी भी आयरन मास्टर को नहीं देखा होता एट रामस्टो एंड डिड नॉट इवन नो वॉट हिज नेम वॉज. उसको आयरन मास्टर का नाम भी नहीं पता होता. बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस. एक्वेंटेंस का मतलब क्या होता है? एक्वेंटेंस इज हिंदी में सहपाठी एंड आप लोग इंग्लिश में से कह सकते हो अ को वर्कर और अ फ्रेंड. ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनोर. Therefore, he did not want to undeceive him all at once. Now, होता क्या है? जो आयरन मास्टर होता है वो उसको पहचानता है as Niels Olof, लेकिन जो वैगाबॉन्ड होता है वो आज तक आयरन मास्टर को ना उसने देखा होता है ना उसको उसका नाम पता होता है. लेकिन वो इस बात को सोचता है कि अगर वो इसी टाइम पे उसे बता देगा कि वो Niels Olof नहीं है तो शायद ये बंदा मुझे पैसे ना दे. एंड अगर ये मुझे अपना ओल्ड एक्वेंटेंस समझ ले, इफ द आयरन मास्टर कंसिडर्स मी एज हिज ओल्ड एक्वेंटेंस, तो हो सकता है वो थोड़े से कपल ऑफ क्रोनोर नोट्स मुझे दे दे. तो वो क्या कह रहे हैं? बट इट अकर्ड टू हिम इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनोर्स. वो से कपल ऑफ क्रोनोर्स दे देगा. देयरफॉर ही डिड नॉट वॉन्ट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस. वो एक ही मोमेंट पर सच्चाई नहीं बताना चाहता. Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. और वो आगे से क्या कहता है? जो आपका वैगाबॉन्ड होता है वो इस चीज का आंसर कहता है. Yes, God knows चीजें मेरे साथ बहुत ही खराब चल रही हैं, चीजें बहुत डाउनहिल हो गई हैं मेरे साथ. You should not have resigned from the regiment, said the headmaster. Headmaster कहे तुम्हारे को आर्मी से रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था. That was the mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. Well, now of course you will come home with me. आयरन मास्टर आगे से क्या कहते हैं? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमने आर्मी से रिजाइन करा. अगर मैं वहां पर होता तो मैं कभी रिजाइन ना करने देता. बट ऑफ कोर्स अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो. सो बेटा क्लियरली आयरन मास्टर जो है वो उसको अपना ओल्ड एक्वेंटेंस Niels Olof समझ रहा है, लेकिन ही हैज अ मिस्टेकन आइडेंटिटी. ये एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है. वो एक्चुअल में Niels Olof नहीं है. बैकअपॉन्ट ओके. To go along to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade, that, however, did not please the tramp. ये चीज़ tramp को इतनी please नहीं करती कि ये जो person आया है, जो iron master आया है, ये मेरे को अपना old regimental comrade समझ के अपने घर लेकर जाए, manor house लेकर जाए और साथ में एक meal खिलाए, खाना खिलाए. ये उसको अच्छी नहीं लगती. Because उसका अपना only motive क्या होता है old acquaintance समझाने का? ताकि जो iron master है वो उसे couple of crown notes देते. आई होप चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी. नाउ नो आई कुड थिंक ऑफ इट ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड. ही थॉट ऑफ 30 क्रोनोर टू गो अप टू द मेनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लायंस डेन. ही ओनली वांट द चांस टू स्लीप हियर इन द forge and then sneak away as inconspicuously as possible. The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. Now, अब चीज क्या होती है बेटा? जो आयरन मास्टर होता है वो उसको अपना एक ओल्ड एक्वेंटेंस समझ के अपने घर पे इनवाइट करता है, मेन हाउस में इनवाइट करता है खाना खाने के लिए. वो उन 30 क्रोनोर के बारे में सोचता है वैगाबॉन्ड कि अगर मैं मेनर हाउस चला गया. बेटा मेनर हाउस इज लाइक अ डिस्टिंग्विश्ड हाउस. तो अगर मैं मेनर हाउस चला गया इट इज जस्ट लाइक वॉलंटरली मूविंग इन अ लायंस डेन. बिकॉज सूनर और लेटर जब चोरी का पता चलेगा तो ये न्यूज मेनर हाउस तक भी पहुंचेगी. एंड वेन ही विल बी देयर तो वहां से वो पकड़ा जा सकता है. सो व्हाट ही सेज इज टू गो अप टू द मेनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लायंस डेन. ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप है. वो सिर्फ यहाँ पर रात को सोने के लिए आया होता है इन द फोर्ज एंड देन स्नीक अवे वहां से चला जाना चाहता होता है एज इनकन्स्पिशियसली बिना कोई शक जताए एज पॉसिबल. आयरन मास्टर रिज्यूम करता है कि वो इसीलिए मना कर रहा है बिकॉज अपने क्लोथ्स की वजह से थोड़ा सा एम्बेरस्ड फील कर रहा है. प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर ही सेड. वो आगे से कहते हैं कि ये मत सोचो कि मेरा घर कोई बहुत ही सुंदर घर है. एलिजाबेथ इज डेड. मेरी वाइफ जो एलिजाबेथ है वो ऑलरेडी डेड है. As you might have already heard, my boys are abroad. मेरे boys जो हैं वो abroad settled हैं. And there is no one at home except my oldest daughter and myself. And घर पे कोई भी नहीं है. सिर्फ जो मेरी oldest daughter है वो है. And I myself am there. We were just saying it was too bad we didn't have any company for Christmas. Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. And वो कहते हैं कि हम लोग यही सोच रहे थे कि हमारे घर में इस साल कोई है ही नहीं. So it is good you should come to our home. We were thinking that there is no one at our home this festival season. So we want you to come at our home and make the food disappear a little faster. That is तुम हमारे घर आओ and आकर मील ले.
बट द स्ट्रेंजर सेड नो, स्ट्रेंजर मना कर देता है, एंड नो एंड अगेन नो, स्ट्रेंजर बार बार मना करता है, ही सेड नो नो एंड अगेन नो, एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन, आयरन मास्टर जो है वो उसकी रिलक्टेंस के पीछे गिव इन कर देता है. इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन्ट्स थाले, सो बेटा दिस इज द फर्स्ट टाइम ही इज एड्रेसिंग द पर्सन, उसको वो क्या कह रहा है, ही इज सेइंग इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन्ट्स थाले प्रेफर्ड टू स्टे विद यू टुनाइट स्टेप्स टाइम, ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड टर्नड ऑन हिज हील. तो वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि कैप्टन वॉन्ट्स थाले जो है वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं स्टेनस्टोम, एंड स्टेनस्टोम कौन है, वहां का मास्टर ब्लैकस्मिथ है. But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word. वहां से वो हंस के चला जाता है, लेकिन blacksmith को भी ये बात पता होती है कि iron master ने अभी तक give up नहीं करा है. He'll surely try to bring the stranger to his house. It was not more than half an hour before they heard the sound of the carriage. अभी आधा घंटा ही नहीं हुआ होता कि कैरेज की आवाज आती है बाहर से, एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और वहां पे एक नया गेस्ट एंटर करता है. बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, इस बार वो आयरन मास्टर नहीं होता. ही हैड सेंड हिज डॉटर अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ पर्सुएशन देन ही हिमसेल्फ, लेकिन इस बार वो खुद नहीं आया होता, उसने डॉटर को भेजा होता है, बिकॉज उसके बाद लगती है कि उससे अच्छी जो पर्सुएशन की पावर्स है वो किसके पास है, उसकी डॉटर के पास है. शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वैले, उसकी डॉटर जो है वो एंटर करती है फॉलोड बाय अ वैले, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाय. सो जो उसकी डॉटर होती है शी नॉट ऑल प्रिटी, बिल्कुल भी सुंदर वगैरह नहीं होती, शी वॉज मॉडेस्ट, शी वॉज काइंड एंड क्वाइट शाय. In the forge, everything was just as it had been earlier in the evening. Forge के अंदर, furnace के अंदर कुछ भी चीज बदली नहीं होती, जैसे पहला होता है वही सेम चीज यहाँ पर भी होती है. The master blacksmith and his apprentice still sat on the bench. Master blacksmith और उसका apprentice जो होता है भी bench के ऊपर बैठे होते हैं. And iron and charcoal still glowed in the furnace. और iron और charcoal जो होता है भी furnace के अंदर glow कर रहा होता है. The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes. The stranger जो होता है वो लेटा हुआ होता है on the floor और उसने एक pig iron का पीस अपने सर के नीचे रखा होता है with his hat pulled down over his eyes और वहाँ पे वो सो रहा होता है. As soon as the young woman caught sight of him, she went up and lifted his hat. जैसे ही young woman उसको देखती है वो उसके पास जाती है और उसकी hat को lift करती है. The man was evidently used to sleeping with one eye open. Now, but this line is very important. ये line बहुत important है. ये line basically आपको क्या show कर रही है? The man was evidently used to sleeping with one eye open means. इसका मतलब ये है कि वो because एक thief था, क्योंकि वो चोरी करता था. He was always very cautious. जो man था, वो हमेशा क्या था? He was always very cautious. वो हमेशा बहुत cautious रहता था. My name is Edla Wilson, said the young girl. Young girl वहाँ पे enter करती है और अपना नाम क्या introduce कराती है. She says, My name is Edla Wilson. My name is Edla Wilson, said the young girl. My father came home and said that he wanted to sleep here in the forge tonight. मेरे father घर आए थे and वो कह रहे थे कि तुम आज यहाँ पे forge में सोना चाहते हो. And then I asked permission to come and bring you home to us. And मैंने फिर उनसे permission ली कि मैं तुम्हारे को यहाँ से अपने घर लेकर जाऊँ. I am so sorry, Captain, that you are having such a bad time. I am so sorry, Captain, कि तुम्हारे इतना खराब time इस time पे चल रहा है. She looked at him compassionately, एक kind heart के साथ, compassion के साथ वो उसको देखती है. With her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. And फिर वो इस चीज को notice करती है कि जो rat trap vendor है, ये person जो है काफी डरा हुआ है. Either he has stolen something, या तो इसने कहीं से कुछ चोरी करी है, or else he has escaped from jail. या second possibility क्या हो सकती है कि ये jail से भागा है. She thought and added quickly, "You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve." तो वो आगे से क्या कहती है? वो कहती है कि कैप्टन इस चीज को हमेशा याद रखना, as freely हम आपको अपने घर लेकर जा रहे हैं, you will be allowed to leave as freely. जैसे freely आपको घर लेके जाया जा रहा है वैसे आप आराम से वहां से जा भी सकते हो. Only stay with us over Christmas Eve. सिर्फ क्रिसमस ईव के दिन आप हमारे साथ रहो. She had in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence with her. वो इतनी फ्रेंडली मैनर में ये चीज कहती है कि rat trap peddler को सही में उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once. तो आगे से कहते हैं कि कभी मेरे दिमाग में ये चीज आई नहीं होती कि मिस तुम मेरे लिए इतना बॉदर करोगी. I will come at once. मैं एक सेकेंड में तुम्हारे साथ चलता हूँ.
He accepted the fur coat. ये fur coat को accept कर लेता है, which the valet handed him with a deep bow. Threw it over his rags. अपने फटे हुए कपड़ों के ऊपर उसे पहनता है. And followed the young lady out to the carriage. और young lady को follow करता है carriage की तरफ. Without granting the astonished blacksmith so much as a glance, जो astonished blacksmith होता है उसकी तरफ वो देखता भी नहीं है. Astonished means surprised. But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. लेकिन जब वो manor house की तरफ जा रहा होता है, तो उसको evil forebodings होती है. बेटा forebodings का मतलब क्या होता है? Apprehensions. उसके दिमाग में evil apprehensions आ रही होती हैं, evil forebodings आ रही होती हैं. Why the devil did I take that fellow's money? क्यों मैंने उस fellow के पैसे को लिया? He thought, now I am sitting in the trap and will never get out of it. अब मैं उस trap के अंदर फंस चुका हूँ और मैं कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा. The next day was Christmas Eve. अगले दिन Christmas Eve होती है. And then the iron master came into the dining room for breakfast. He probably thought with satisfaction of his old regimental comrade who he had run across so unexpectedly. तो iron master जो होता है वो अगले सुबह breakfast के लिए वहां पर आया होता है और वो सोच रहा होता है कि कितना अच्छा हुआ कि unexpectedly, surprisingly मुझे अपना old comrade मिल गया. First of all, we must see to it that he gets little flesh on his bones, he said to his daughter. तो इन डॉटर को आयरन मास्टर क्या कहते हैं कि पहली चीज तो हमारे को ये इंश्योर करना जरूरी है कि कम से कम इसकी फ्लैश, इसकी बोन्स में थोड़ा सा फ्लैश आए. दैट इज जो ये अभी मैलन्यूट्रिशन से सफर कर रहा है, ओवर टाइम इसे इतना खाना दिया जाए कि ये ठीक हो जाए, ये हेल्दी हो जाए. And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. Then हमारे को ये चीज भी इंश्योर करनी जरूरी है कि इसका कोई चेंज ऑफ बिजनेस हो, बिकॉज ही कैन नॉट मूव अराउंड द कंट्री सेलिंग रैट ट्रैप्स. आई होप बेटा आप लोगों को चीजें क्लियर होती जा रही होंगी साइड बाय साइड. गुड. नाउ It is queer that things have gone downhill with him as badly as that. Daughter कहती कि हाँ ये बात तो clear है कि things जो है उसके साथ में खराब ही चल रही हैं. Last night did not think that there was anything about the man to show that he had once been educated man. Daughter कहती है कि last night जब मैंने उसको देखा तो इतनी चीज मुझे लग रही थी कि ये person कभी educated नहीं हो सकता, ये person कभी regiment के अंदर एक army man नहीं हो सकता. You must have patience, my little girl. So, अब एक चीज देखो कि उस लिटिल गर्ल की एडला विल्मिंसन की जो नोटिंग कैपेसिटी होती है, लोगों को जज करने की कैपेसिटी होती है, वो बहुत अच्छी होती है. बिकॉज शी वॉज द वन जिसने पहले रियलाइज कर दैट स्ट्रेंजर वॉज अफ्रेड, द वैगाबॉन्ड वॉज अफ्रेड. या तो उसने चोरी करी है या ये पर्सन कहीं से भागा हुआ है जेल से. एंड शी इज द सेकेंड वन टू मेक एन एप्रिहेंशन कि इसके साथ में ऐसा लग नहीं रहा कि ये पर्सन कभी एजुकेटेड हो सकता. You must have patience, my little girl, said the father. Father ke thodi si patience rakho. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. Jaise hi tum dekhoge ki ye clean aur dressed up hai, tumhe koi alag si cheez nazar aayegi. Last night he was naturally embarrassed. Last night naturally bahut hi embarrassed tha. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. This line is very important. The tramp manners will fall away with him like the tramp clothes. जैसे ही वो ट्रैम्प के फटे हुए कपड़ों को, शाबी क्लोथ्स को हटाएगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, साथ में ही जो उसके ट्रैम्प मैनर्स होंगे वो भी चले जाएंगे. जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन, द स्ट्रेंजर एंटर. जैसे ही वो इस चीज को कहता है डोर ओपन होता है और स्ट्रेंजर वहां पे एंटर करता है. So just as he said this, the door opened, a stranger entered. Yes, now he was truly clean and well dressed. अब वो अच्छे से साफ सुथरा होता है and he was well dressed, अच्छे कपड़े पहने होते हैं. The valet had bathed him, valet ने उसको अच्छे से नहलाया होता है, cut his hair, shaved him. Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes. उसने good-looking suit of clothes भी पहने होते हैं. Which belonged to the iron master. जो किसको belong करते हैं? Iron master को belong करते हैं. He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. उसने एक white shirt पहनी होती है, starched कॉलर पहना होता है एंड साथ में पूरे शूज पहने होते हैं. अब बेटा यहाँ पर इन लोगों ने होल शूज का एम्फेसाइज क्यों किया हुआ है? बिकॉज पहले वो फटे हुए शूज वगैरह पहनता था. But although his guest was now so well groomed, the iron master did not seem pleased. Although उसका guest जो होता है वो काफी अच्छा dressup हुआ होता है, काफी अच्छा groomed होता है, iron master इस चीज को देख के बिल्कुल भी pleased नहीं होता. He looked at him with puckered brow. Puckered brow का मतलब क्या होता है? Suspicion के साथ में. He looked at him with suspicion. And it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but that now when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. जब वो रैट ट्रैप वेंडर पूरा अच्छे से वेल ग्रूम होके अच्छे कपड़ों के अंदर वहां पर आता है, when he comes there, उसी टाइम उसको रियलाइज हो जाता है
आयरन मास्टर को दैट ही इज नॉट एन ओल्ड एक्विंटेंस, सिर्फ फोर्ज में उस डार्कनेस की वजह से, उस शैडो की वजह से उसको लगा होता है कि दैट पर्सन वॉज नील्स ओलाफ, दैट पर्सन वॉज हिज ओल्ड एक्विंटेंस. व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, जोर से वो बोलता है, व्हाट डज दिस मीन, ये क्या चल रहा है यहाँ पे. व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट. स्ट्रेंजर कोई भी अटेम्प्ट नहीं करता उसको मना करने का. ही सॉ एट वंस दैट हिज स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड. बेटा स्प्लेंडर का मतलब क्या होता है, स्प्लेंडर मीन्स शराड, छलावा. सो उसको एक सेकेंड में बात समझ आ जाती है कि जो स्प्लेंडर उसका होता है, जो शराड उसका होता है, वो अब खत्म हो चुका होता है. इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेड. तो कहता है सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कभी प्रिटेंड नहीं करा कुछ भी होने का, मैं सिर्फ एक पुअर सा ट्रेडर हूँ. एंड आई प्लीडेड एंड बेग टू बी अलाउड टू बी स्टेड इन द फोर्ज. मैंने प्लीड करा, आपको बेग करा कि प्लीज मुझे उस फोर्ज के अंदर ही रहने दो, लेट मी बी देयर इन द फोर्ज ओनली. But no harm has been done. At worst, I can put on my rags again and go away. कोई harm अभी तक नहीं हुआ है. At worst, मैं दोबारा अपने फटे पुराने कपड़े पहन लूंगा, rags पहन लूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा. Well said the iron master, hesitating a little. It was not quite honest, teacher. तुमने अगर मेरे साथ कोई धोखा नहीं दिया तो तुमने कोई honest भी नहीं रही मेरे साथ. You must admit that, and I should not be surprised. The sheriff would like to have something to say in the matter. And मैं बिल्कुल भी surprised नहीं हूँगा अगर मैं sheriff को यहाँ पर बुलाऊँ तुम्हारे से बात करने के लिए. The tramp took a step forward and struck the table with his fist. Tramp जो होता है वो आगे आता है और जोर से अपना हाथ जो होता है वो टेबल के ऊपर स्ट्रक करता है. Now I am going to tell you, Mr. Iron Master, how things are, he said. और वो कहता है अब आयरन मास्टर मैं तुम्हारे को बताऊंगा कि चीजें होती कैसे हैं. He said, the whole world is nothing but a big rat trap. पूरा वर्ल्ड आसपास का कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक बहुत बड़ा सा रैट ट्रैप है. ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज राइंस एंड बिट्स ऑफ पॉर्क. जितनी भी अच्छी चीजें तुम्हारे को ऑफर करी जाती हैं वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ चीज राइंस हैं, वो सिर्फ बिट्स ऑफ पॉर्क है. सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इन टू ट्रबल. एंड ये सब चीजें क्यों करी जाती हैं, ताकि एक पुअर फेलो को ट्रबल में लेके आया जा सके. एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ, अगर शेरिफ इस टाइम पर यहाँ पर आता है एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, इफ द शेरिफ कम्स हियर एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पॉर्क एंड देन यू विल बी कॉट इन द ट्रैप. एंड वो आगे आयरन मास्टर को क्या कहता है, कहता है कि अगर इस टाइम पे आयरन मास्टर यहाँ पर आता है, इफ यू डू दिस विद मी देन रिमेंबर अ डे विल कम व्हेन यू विल चेज अ बिग पीस ऑफ पॉर्क. एक ऐसा दिन आएगा जब तुम किसी चीज के पीछे भाग रहे होगे, जब तुम किसी लाइफली कंफर्ट को ढूंढ रहे होगे, जब तुम किसी पीस ऑफ पॉर्क के पीछे भाग रहे होगे, एंड देन यू विल बी कॉट इन द ट्रैप. तुम जो हो वो ट्रैप के अंदर फंस जाओगे, यू विल बी कॉट इन दैट ट्रैप. सो बेटा आज हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने आज रैट ट्रैप का सेकेंड वाला पार्ट कवर किया है. मैं इस चैप्टर का जो बचा हुआ पोर्शन है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर श्योरली कंप्लीट करूंगा. सो आज सेकेंड पार्ट में इस चैप्टर के रैट ट्रैप में हम लोगों ने क्या अभी तक डिस्कस करा है, वी स्टार्टेड अ चैप्टर नेम्ड रैट ट्रैप बाय सेल्मा लगेरला. फिर हम लोगों ने इस आइडिया को एक्सप्लोर करा दैट द होल वर्ल्ड अराउंड अस इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप. पूरे का पूरा वर्ल्ड जो हमारे आसपास है ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है जो हमारे को बेट्स ऑफर करता है लाइफली कंफर्ट्स की फॉर्म में. और अगर हम उन बेट्स को ले लेते हैं तो वर्ल्ड स्टार्ट्स क्लोजिंग इन अपॉन अस. एंड यही चीज अब रैट ट्रैप वेंडर के साथ भी हो रही है लास्ट में, कि जब वो उस ओल्ड मेनर हाउस के अंदर जाता है एंड व्हेन ही इज वेल ग्रूम्ड इज वेल ड्रेस्ड, आयरन मास्टर पहचान लेता है कि वो और कोई नहीं है, ही इज नॉट एज ओल्ड एक्विंटेंस, ही इज जस्ट अ वैगाबॉन्ड. एंड ही थ्रेटन्स टू कॉल द शेरिफ. एंड लास्ट में वैगाबॉन्ड कहते हैं कि अगर इस टाइम पे शरीफ को बुलाया जाता है, ना टाइम विल कम व्हेन द आयरन मास्टर इज चेजिंग अ बिग पीस ऑफ पॉर्क एंड ही विल गेट हिमसेल्फ कॉट इन अ रैट ट्रैप. तो बेटा हम लोग इसके थर्ड पार्ट के अंदर इस चैप्टर को पूरा खत्म करेंगे एंड साथ में मैं इसकी समरी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. अगर आज का एफर्ट, आज की क्लास आपको अच्छी लगती है, प्लीज डू लाइक, लीव ए वैल्यूएबल कॉमेंट्स एज देर आर अ ह्यूज मोटिवेशन बूस्टर फॉर मी. थैंक यू एवरीवन, आई विल सी यू ऑल इन द थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, the rat trap.